feel like I'm floating through the air. भाभी ये आपका कमरा है, आप चाहे आप इसी में रहोगी। बाप रे, इतना बड़ा कमरा हमारा? ननद जी, इतने बड़े कमरे में तो हमारा पूरा परिवार रहता था, क्या इतने बड़े कमरे में हम अकेले रहेंगे? हाँ भाभी, अब जाओ आप आराम कर लो। जी। तुम सो रही हो क्या? हाँ, वो ननद जी ने बोला था कि आराम करने के लिए, तो हम सो गए। उठ कर बैठ जाओ, लोगों का आना जाना लग रहेगा अभी। ठीक है, आप बोलते हैं तो बैठे रहते हैं, पानी कहाँ मिलेगा, हमको बहुत जोर से प्यास लगी है। तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी ले आना। ये लो। अब जाके कलेजे को तनिक ठंडक मिली है। अगर आपको इसका पार्ट टू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लाल दिल भेजें। मम्मी, पापा, पापा, भैया। सिमरन, जाकर देखना तेरी भाभी रो रही है, सब ठीक तो है ना? ठीक है भैया। भैया। अरे भाभी, क्या हो गया, ये गला फाड़ फाड़ के क्यों चिल्ला रही हो? वो जब मैं आ रही थी ना अपने घर से इस घर, तो मेरी मम्मी ऐसे ही रो रही थी। ननद जी, मुझे तो डर लग रहा है कहीं उन लोग चक्कर खा के बेहोश होके हॉस्पिटल ना चले गए हो। हे भगवान, कितना सारा खर्चा हो जाएगा। अरे भाभी, आप परेशान मत हो, वहाँ सब ठीक ही होगा, विदाई देने में तो रोना ही पड़ता है ना। हाँ, तुम कह रही हो तो सब लोग ठीक ही होंगे, मैं भी ना मतलब ही रो रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है भाभी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। अरे, अब तो हम सोने जा रहे हैं, अब आप कहाँ आए हैं यहाँ? अरे, मैं भी तो इसी रूम में सोऊंगा ना। नहीं नहीं, हम किसी आदमी के साथ नहीं सोएंगे। अरे भाभी, हम लोग आपके ही परिवार हैं। आप डरिए मत, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, और मम्मी आपकी माँ जैसी है, और पापा आपके पापा जैसे। ये भैया का कमरा है तो भैया यहीं सोएंगे ना। अच्छा तो ठीक है, तुम बड़े भैया को भेज दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अरे बड़े भैया, आप ना ऊपर सो जाइए, हम नीचे सो जाएंगे। भैया, अबे पागल औरत, तेरा पति हूँ मैं। ये सब हमको ननद जी बोल के गई हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। भाभी, भाभी आप उठे नहीं? ओह, अरे तनिक सोने दो, काहे दरवाजा पीट रही हो? भाभी, सुबह के 10 बज रहे और अभी तक सो रहे हो आप। अरे तो 10 ही तो बजे हैं, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? भाभी आप भूल गए हो क्या, आपकी शादी हो चुकी है। अरे भूले उले कुछ नहीं है, वो मम्मी कहती थी जो करना शादी के बाद करना, और सोना हमको बहुत अच्छा लगता है। तो जल्दी से रेडी हो जाओ, बाहर आपका वेट कर रहे हैं सब। क्या कर रहे हैं? अरे आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी मुँह दिखाई के लिए। अच्छा, अब ये सब लोग हमारा मुँह भी देखेंगे? हाँ भाभी, अब जल्दी से रेडी हो जाओ आप। वैसे तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है तैयार यार होने का, लेकिन आप कह रही हैं तो तैयार हो ही जाते हैं। क्या? अच्छा सुनो ननद जी, गर्मी बहुत हो रही है, कोई हल्की सी साड़ी पहन ले। भाभी कोई अच्छी सी साड़ी पहनो आप। तो जो मम्मी महंगी वाली और भारी वाली साड़ी दी है ना, वही पहन लेंगे। टाइम पे बाहर आ जाओ, वैसे ही लेट हो गए। हाँ हाँ, तुम हमारी फिक्र ना करो, हम तैयार हो लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें। अरे ओ ननद जी, क्या हुआ भाभी, गला फाड़ के क्यों चिल्ला रही हो? तुम्ही ने तो बोला था कि तैयार हो जाना तो बताना, अब हम तैयार होके बैठे हैं, बताओ क्या करें? तो बैठो ना आराम से आप। अरे तुम्ही तो कही थी ना कि कोई हमको देखने आने वाला है। हाँ ठीक है, बैठे रहो, वो लोग आते होंगे। देखो भाभी, बाहर आके ना चपर चपर मुँह मत चलाना। काहे भला, ससुराल में बोलना भी मना होता है का? नहीं, अगर ज्यादा बोलोगे तो चार लोग क्या सोचेंगे। अरे लोगन का तो काम होता है सोचना, तुम काहे इतना सोच रही हो? अरे तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? अरे तुम हमारे पति हो ना, तो मम्मी ने कहा था कि पति के सामने थोड़ा शर्म हया रखना। अरे वो सब पिछले जमाने में हुआ करता था, और इतनी गर्मी में तुम घूंघट में क्यों बैठी हो? घूंघट हटा दो, परेशान मत हो। अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो तो हम ऐसे ही रहेंगे। वो मम्मी ने कहा था कि अपने पति की बात मानना। हाँ तो मैंने बोला ना, घूंघट हटा दो, गर्मी बहुत हो रही है। हाँ ठीक है, वैसे भी गर्मी तो बहुत हो रही है।